सो दोस्तों 12वीं पास ले फॉरेस्ट गार्ड की जिहड़ी भर्ती वह अज रिलीज़ हो चुकी है। पूरी डिटेल में मैं तुहानूं एक वीडियो पहला प्रोवाइड करवा दी है, जे नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर तुहानूं उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जां चैनल पर जाके तुसीं वह चैक कर सकते हो एंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती बारे पूरी डिटेल लै सकते हो। तो इस वीडियो में आप गल करेंगे ऑनलाइन पोस्ट में मोबाइल पर किवें अप्लाई करना है। ओके दोस्तों, सब तो पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में की लिखना है, SSSB.punjab.gov.in लिख के सर्च करना है। पहली ही साइट सामने होगी, उस पर क्लिक करके इस तरह की वैबसाइट थोड़े सामने ओपन हो जाएगी। हुण करना कि इत्थे आपां 3 डॉट देख सकते हैं, 3 डॉट पर जाके डैस्कटॉप साइट ऑन कर लेंगे, जिवें इत्थे मैं कर लिया, मतलब ब्लूटिक ऑन कर लेंगे। इत्थे ब्लूटिक लगा के इस तो बाद करना कुछ नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेंगे। इत्थे आपां नूं 4th नंबर पर शो हो रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने तो बाद इत्थे सब तो पहले आप करना 19/5/2022 का नोटिफिकेशन है जिहड़ा द फॉरेस्ट गार्ड का, इस पर आप क्लिक करांगे। इस तो बाद इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाएगा। हुण की करना, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, तो इस तरह का पॉपअप खुल के आएगा। हुण आप इसनों ओके कर देंगे। इस तो बाद आप पोस्ट कि अपलाई करना चाहते हैं वह सिलेक्ट कर लेंगे, एज ए फॉरेस्ट गार्ड 200 पोस्ट ने तो करके फॉरेस्ट गार्ड ही फिल कर दो। इस तो बाद गो कर देंगे आप। गो तो बाद यह नॉर्मल जी डिटेल आप फिल करनी है, मैं तुम्हें दस दिना की कुछ तो फिल करना है, बाकी फिल तुम आप कर लो। एंड जो मेरे थ्रू यह पोस्ट में अपलाई करवाना चाहते हो, जिसकी फीस सिर्फ 100 रुपये तो पे करनी पवेगी, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी लै सकते हो इस बारे। तो पोस्ट में अपलाई करने वास्ते की है, फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्ट ऑलरेडी, इस तो बाद अपना नाम लिखना, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, 3rd नंबर से मदर नेम, 4th नंबर से जेंडर सिलेक्ट कर लेना अपना जो मेल फीमेल हो इतों। इस तो इलावा मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो, सिंगल हो या मैरिड हो, इतने आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस तो बाद डोमिसाइल पंजाब का ऑलरेडी सिलेक्ट है। इस तो बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी, इतने क्लिक करके जिहड़ी भी कैटेगरी से तुसीं बिलोंग करते हो। इस तो बाद विमुक्त जाति तो हो तो यस, नहीं तो नो ही रहन दो। इस तो बाद नैशनैलिटी अपनी इंडियन ऑलरेडी इतने फिल है। इस तो बाद डेट ऑफ बर्थ आप फिल करनी, डेट ऑफ बर्थ किवें, इतने आप कैलेंडर का ऑप्शन देख सकते हैं राइट साइड, कैलेंडर पर क्लिक करना। तो सब तो पहले आप इतने ईयर सिलेक्ट करना, जिहड़ा भी साल जो थोड़ा जन्म होया। उस तो बाद अपना मंथ सिलेक्ट करना, जिहड़े भी महीने में थोड़ा जन्म होया। इस तो बाद आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह ईजीली तुम डेट ऑफ बर्थ भी इतने फिल कर लोगे। ओके दोस्तों, जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक जरूर कर लिया करो। एंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती रिगार्डिंग सारिया ही क्लासा तो साढ़े चैनल पर मिल जाएंगी, इस करके एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता, हो जाके भी व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लो। इस तो बाद अपना ईमेल एड्रेस तो अपना मोबाइल नंबर आप फिल करना। इस तो बाद की है, आइडेंटिटी प्रूफ में तुहाडे कोल कुछ भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन कोई भी तुसी फिल कर सकते हो। हुण एग्जाम्पल के तौर पर इतने आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हुण ID नंबर में की लिखना, आप आधार कार्ड का जिहड़ा 12 अक्षर का नंबर हुंदा वह ID नंबर में लिखना। हुण इस तो बाद क्रिमिनल केस है तो नो ही रहन दो, इस तो इलावा कन्विक्टड ये भी नो रहन दो, ऑलरेडी वर्किंग जो गवर्नमेंट अप्लाई हो तो यस कर दो, नहीं तो नो ही रहन दो जो फ्रैशर हो। इस तो बाद सिंपल जी गल है जिन्हें तो यह रैड स्टार तुसी रैड तारे जो देख सकते हो ना, यह करने भरने मतलब कि कॉलम भरने लाजमी ने, तो करके बाकी ना भरो तो भी चल जाएगा। इस तो बाद यह भी नो रहने, गवर्नमेंट वालों डिसमिस नहीं किया गया, यह पूछा गया। इस तो बाद 5वीं मतलब कि 10वीं क्लास में तुम पंजाबी पास हो तो यस कर लो जरूर, इसमें यस करके टिक मार कर दो। इस तो बाद की है भी जी क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई इस पोस्ट वास्ते वह तुहाडे कोल हैगी है तो यस कर लो इसनों। इस तो बाद अपना परमानेंट एड्रेस इतने लिखना, स्टेट ऑलरेडी पंजाब आप सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, पिन कोड सिलेक्ट करना, और इस तो बाद की है इसे टिक मार लगा देंगे, जिहड़े भी इतने टिक मार इतने आप एवें लगा देंगे, तो जिहड़ा भी उपर भर आप एड्रेस में वो ऑटोमैटिकली नीचे फिल हो जाएगा। इस तो बाद अपनी 10वीं की जिहड़ी जानकारी है वह देनी, 10वीं क्लास की किहड़े साल में पास की है, किहड़ी यूनिवर्सिटी तो पास की है, किहड़े स्कूल ऑफ बोर्ड तो पास की है, किन्ने मार्क्स मिले ने, ते टोटल किन्ने मार्क्स विचों ओबटेंट मार्क मिले ने, ते ग्रेड ऑलरेडी अपने आप जनरेट हो जाएगी, रेगुलर या प्राइवेट इतने आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तो बाद 12वीं की भी सेम ही डिटेल फिल करनी है। इस तो बाद इतने जस्ट टिक मार लगानी है, तो अपना नाम तो फादर नेम इतने ऑटोमैटिकली आ जाएगा।
एंड हुण करना क्या जस्ट आप सेव कर देना। सेव करन तो बाद आपां की करना अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, एक अपने सिग्नेचर अपलोड करना है, तो अपने दसवीं के सर्टिफिकेट की फोटो खिंच के अपलोड करनी है, तो क्वालिफिकेशन मतलब बारहवीं का अपना जो सर्टिफिकेट है वो खिंच के अपलोड करना है। अपलोड किवें करना है इत्थे आपां देख सकते हैं यूजर इमेज दे नाल चूज फाइल लिखा से आपां टिक करांगे तो अपनी गैलरी में चली जाएगी, उतों फोटो चूज करनी है तो अपलोड कर देनी है। तो एंड दोस्तों एक गल का ध्यान रखियो कि जिहड़ी भी तुसीं फोटो अपलोड कर रहे हो उसका साइज 100 KB तो नीचे होना चाहिए, 100 KB तो उपर होगा तो अपलाई नहीं पोस्ट फोटो अपलोड नहीं होगी, इस करके ध्यान रखियो कि 100 KB तो नीचे होनी चाहिए है। हुण जे फोटो का साइज तुसीं घट वध करना सीखना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करके दस दो, मैं नैक्सट वीडियो में तुहानूं दस दांगा कि फोटो का साइज घट घटाते किवें ने ते फोटो का साइज वधाउंदे किवें ने। सो डॉक्यूमेंट अपलोड करन तो बाद इस तरह का तुहाडा जिहड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा एंड जिहड़ा पासवर्ड होगा तुहाडी डेट ऑफ बर्थ ही तुहाडा पासवर्ड होगा। तो सिंपल जा प्रोसैस से इस तो बाद होर कोई जानकारी लैनी हो इंस्टाग्राम से मैं फॉलो करके मेरे गल कर सकते हो, जो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई जरूर कर दवा।